चलिए पहला क्वेश्चन है, अ मेटेलिक वायर क्वाइल इज इन ए स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द क्वाइल। हंसिका बताइए। एक मेटेलिक वायर है, जीरो, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिकॉज स्टेशनरी क्वाइल है तो इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज 2 एम्पीयर पर सेकेंड इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 10 मिलीवोल्ट इन अ सोलेनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज 2 एम्पीयर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 10 मिलीवोल्ट इन अ सोलेनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कराया है, आया कि नहीं आया। हंसिका बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर एक बार बता दो। ओके, देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ईएमएफ जो डेप फॉर्मूला बताया था मैंने, याद कीजिए, ई इज इक्वल टू, कॉपी में लिखा है आपके, एल डी आई बाई डी टी, और लास्ट क्लास में आपने नोट्स बना के नहीं भेजे भाई, गलत बात, ए इक्वल्स टू एल, वाजंट वेल, यस बेटा, कितना 12, ओके ठीक है, सो ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, सो अपन को क्या यहाँ पे चाहिए, एल चाहिए, तो एल इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई इज गिवन ईयर 10 मिली वोल्ट, सो राइट डाउन 10 × 10^-3, बिकॉज मिली है, 10^-3, एंड जो करेंट का रेट ऑफ चेंज है कितना गिवन है, 2 एम्पीयर पर सेकेंड, सो दिस इज 2, सो बेटा नोट करो आंसर, 2 5 10, सो आंसर इज 5 × 10^-3, और यूनिट क्या आती है, हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी, नोट करिए। Yes, sir, done. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो बेटा, इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है लिखो, EMF developed, formula है electromagnetic force EMF on circular rotating disc, circular rotating disc, एक disc है जो कि magnetic field में rotate हो रही है, कैसे, ये इसका एक्सेल है और इसके चारों तरफ जो है एक डिस्क रोटेट हो रही है, डिस्क समझते हो, थाली, चारों तरफ रोटेट हो रही है, पैक है ये, ओके, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्क रोटेट हो रही है बेटा, और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है भैया इसको कट कर रहा है, नीचे से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कट कर रहा है, ओके, ये तो अपने पास एक डिस्क है, देखो भाई यशराज, टॉपिक चल रहा है ईएमएफ ऑन अ सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क,
एक सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क है और उसको एक थाली जो है, एक डिस्क जो है उसको कट कर रही है, घूम रही है डिस्क, ये सीडी मान लो या डिस्क मान लो, ये घूम रही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें डिस्क में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो इस डिस्क के ईएमएफ का फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा है फॉर्मूला, इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, क्लियर है? बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है? रेडियस है, इस डिस्क की रेडियस है आर। तो जब फॉर्मूला लगाओगे ई बनेगा बी ओमेगा आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला लिखो, और एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? एक आपके पास कोई रॉड है, रॉड है एल लेंथ की ले लो, और वो रॉड जो है इस एक्सेस के चारों तरफ जो है वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, और जब ये नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसको भी तो खट 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 करेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जाएगा, तो जब ये यहाँ से घूमेगी पूरा सर्किल बनाएगी तो इसको पूरे के पूरे को राउंड 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 में कट करेगी हंसिका की नहीं करेगी, बोलो? यस सर। हाँ, तो कट करेगी। तो आपको बताना है कि कितना ईएमएफ डेवलप होगा बेटा। तो बस कुछ नहीं, आर की जगह एल कर दे, आंसर आ जाएगा बच्चों। सो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, नोट करो। सर व्हाई आर वी टेकिंग हाफ? बेटा ये तो रिलेशन से आया है, फॉर्मूला मैं डिराइव करा दूंगा, आप लोग को तो पता चल जाएगा, ये फॉर्मूले से आता है बेटा हाफ। ओके सर। हाँ जी, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी ना सेल्फ इंडक्शन वाली? यस सर, की थी अटेंड। ओके, सो दिस इज हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, नाउ कम, लिख लिया, चले आएंगे? यस सर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। है सर्कुलर कॉपर डिस्क, सर्कुलर कॉपर डिस्क है बच्चों, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले लिखो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, कॉपी में लिखो रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इन रेडियस, रोटेट्स एट ए स्पीड 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। वाह भाई, ओमेगा मिल गया, बल्ले हो गए, नोट करो, ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला का लगाया गया बच्चों। सो बी की वैल्यू लिखो 0.2 टेस्ला, एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्क, 0.2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस एंड द डिस्क ऑफ द रिम। आपको बताना है कि एक्सिस और डिस्क ऑफ द रिम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, एंड व्हाट इज द इंड्यूस करंट इफ द रेजिस्टेंट ऑफ द डिस्क इज 2 ओम, और अगर डिस्क का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो आपको बताना है कि कितना आपका करंट फ्लो होगा। चलो सॉल्व करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बता चुका हूँ, फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकालिए प्लीज।
ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट द ईएमएफ. सो गाइज ईएमएफ इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या आर स्क्वायर. ओके 1/2 0.2 इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई और रेडियस है 0.1. सो बेटा आंसर ईएमएफ का आ रहा है 0.00628. ओके या इसको आप डेसिमल में लिखो तो कितना आएगा 6.28 इंटू 10^-3 वोल्ट. बोलिए यही आया है? यस सर. हाँ तो 6.28 इंटू 10^-3 वोल्ट इज द आंसर. एंड आई करेंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर. करेंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर दैट इज इक्वल टू 0.0628/2 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो बेटा इसको कर लो कितना 0.314 एम्पियर. ओके डिवाइड कर दीजिए तो 0.314 एम्पियर और 3.14 × 10^-3 एम्पियर. 3.14 × 10^-3 एम्पियर यू कैन राइट इट 3.14 मिली एम्पियर. यशराज इज इट क्लियर टू यू? यस सर. सो ये फॉर्मूला लग गया बेटा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर जो भी है. चलो अब इससे रिलेटेड एक बात और बताता हूँ मैं बच्चों आपको. इससे रिलेटेड एक बात और है. देखिए अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपके पास कोई एक लेंथ है, कोई अगर लेंथ है और ये लेंथ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रही है, खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड गया है बी इंटेंसिटी का विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कितना ईएमएफ डेवलप हुआ बच्चों? मैंने बताया एल लेंथ है ना, कितना बताया बेटा ईएमएफ? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला, यही था ना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बिल्कुल यही था, सही है. अब मेरा ये कहना है कि अगर आप एक लेंथ ना ले करके कई सारी लेंथ ले लो, एक और लेंथ ले लो, एक और लेंथ ले लो, मतलब ये नंबर ऑफ स्पोक जैसे साइकिल में होते हैं ना, आप इनको बढ़ा दो, तो मुझे बताओ ईएमएफ सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलिए इस सेंटर के और यहाँ इस पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलो क्या है? बढ़ेगा. बढ़ेगा. अच्छा अच्छा ऐसे देखो बेटा, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. तो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, तो ये सिस्टम कैसा बन रहा है? एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी ले लो, इस पॉइंट के बीच में ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, कितने भी लगा दो पैरेलल में क्या वोल्टेज चेंज होता है कि नहीं होता? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस भी ई एम एफ ई, इसके अक्रॉस भी ई, इसके अक्रॉस भी ई, इसके अक्रॉस भी ई. जब ई ई सबके अक्रॉस लगा दोगे तो नेट ई एम एफ कितना निकलेगा बेटा? ई ही तो निकलेगा, क्योंकि पैरेलल में कभी कोई ई एम एफ चेंज नहीं होता है. तो क्या नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाने का या घटाने का कोई फर्क पड़ेगा? नो सर. तो लिखो नो इफेक्ट of increasing the number of spokes. spoke cycle के spoke होते हैं ना जैसे, तो ऐसे इसमें अगर आप यहाँ पे number of spokes पढ़ा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, as they are all connected in parallel, as they all are connected in parallel, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मजे की बात है. सो इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही होगा. डन, समझ में आ गया? यस सर. ओके देन नेक्स्ट. एन आइडियल इंडक्टर कंज्यूम्स नो इलेक्ट्रिक पावर, ये एसी का क्वेश्चन है.
कैपेसिटर ब्लॉक डीसी वाई। हाँ भाई लिखो बच्चों, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी वाई। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस कई सारे। हंसिका आपने लास्ट संडे ये क्वेश्चन किया था, संडे क्लास में मैंने करवाया था कि अगर कैपेसिटर से कोई डीसी करंट जा रही है तो कैपेसिटर एज ए रिजल्ट एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, यस और नो? डीसी के लिए कैपेसिटर रिमूव हो जाता है और एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। ओपन सर्किट का मतलब करंट नहीं जाएगी, करंट का मतलब जीरो, और करंट का मतलब जीरो मतलब रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी। करंट जीरो है मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, से यस और नो? यस सर। ओके सो गाइस, क्वेश्चन इज व्हाई, क्वेश्चन है व्हाई, ऐसा क्यों? तो बच्चों जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है ना, नोट कर लो, वो होता है एक्स सी। इसको बोलते हैं कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, और इसका पूरा नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स जहाँ भी आता है वहाँ पे रिएक्टेंस यूज़ होता है, सो दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू होती है एक्स सी की बेटा 1/ωc, 1/ωc ओम, 1/ωc ओम, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस की ही क्वालिटी, तो मेजरमेंट इसका ओम में होगा। सो एक्स इक्वल्स टू 1/ωc ओम। नाउ यार 1/ωc, सी क्या है? कैपेसिटी है। अब फॉर डीसी, डीसी करंट, अब डीसी करंट कैसे फ्लो होती है, ग्राफ बना लो, ये टाइम होता है, और टाइम के साथ डीसी करंट एकदम फिक्स जाती है, चाहे वोल्टेज हो या फिक्स हो, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? ज़ीरो। जो चीज़ें टाइम के साथ कांस्टेंट होती हैं, बदलती नहीं हैं, सो गाइस उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? ज़ीरो। तो यहाँ पर डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है, यहाँ पर डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है, मतलब डीसी करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, और ओमेगा ज़ीरो है। तो बटो यहाँ पर पुट करो, सो एक्स इक्वल्स टू 1/0 मल्टीप्लाइड बाई सी, दैट इज इक्वल टू 1/0। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना आया? इनफाइनाइट। नोट करिए, सो द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनफाइनाइट। सो रिएक्टेंस इज कैपेसिटर इज इनफाइनाइट। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके, तो इस तरीके से आप जो है हम यहाँ पे मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कैसे कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। सो इट इज़ रिटन हियर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा यार बच्चों 2πf होता है ओमेगा की वैल्यू, तो मैंने डायरेक्टली जीरो कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। अब इसको कुछ लोग 2πν भी लिखते हैं, भाई न्यू लिख लो। अब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होगी। अब ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लाके ज़ीरो पुट करोगे तो रिजल्ट में क्या निकलेगा? ओमेगा ही तो ज़ीरो निकलेगा, और ओमेगा यहाँ पे पुट कर दो नीचे ज़ीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो नोट कर लीजिए, सिंस कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, सो डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है बच्चों, लिखो। Since capacitor offers infinite resistance, since capacitors offer infinite resistance to the flow of DC, so DC cannot pass through the inductor capacitor. इसलिए DC जो है capacitor से pass नहीं हो सकती है। DC जो है capacitor से pass नहीं हो सकती है। डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। डन? यस सर। ओके, वाई इज द ईएमएफ इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द ईएमएफ इज जीरो व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द क्वाइल। क्या वजह है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्वाइल से पास हो रही हैं उसके बाद भी ईएमएफ जीरो आ रहा है। चलिए बताइए क्या वजह है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइल्स मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही हैं फिर भी ईएमएफ जीरो आ रहा है, रीजन क्या है? बोलो भाई, रिप्लाई करो, क्या रीजन है? हंशिका क्या रीज़न है भाई कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उसके बाद भी आपका जो ईएमएफ है वो जीरो मिल रहा है? जीरो मिल रहा है सर, चेंज इन फ्लक्स जीरो है। वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासिंग से नहीं होता है, मैक्स चेंज इन फ्लक्स से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई क्वाइल जो है रखी हुई है ऐसी, ये ऐसी रखी हुई है, ये इसका मैं आपको सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब सामने से टेढ़ी रखी हुई है। अब ये देखिए मैक्सिमम नंबर फ्लक्स पास हो तो रहे हैं मगर ये कॉइल टस से मस नहीं हो रही है, तो पहले जितना फ्लक्स था बाद में उतना फ्लक्स है ना, तो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई कितना होगा? फाई टू माइनस फाई वन। अब दोनों फ्लक्स सेम थे तो ये भी हो गया के और ये भी हो गया के, आंसर चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया भाई? ज़ीरो, के माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। और ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब टाइम कितना भी बढ़ रहा उससे कोई मतलब नहीं है मगर फ्लक्स का चेंज कितना है? ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ईएमएफ की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस होगी? ज़ीरो। तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस होगी? ज़ीरो होगी। क्यों भाई आर्यन, क्लास की याद नहीं रहती क्या? सॉरी सर, आज लेट हो गए। चलो ठीक है, सो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी। अभी एक ही क्वेश्चन कराया कि बेटा अगर आपके पास ये क्वाइल रखी हुई है, ये क्वाइल रखी हुई है, अगर ये क्वाइल टस से मस नहीं हो रही है, अब इससे मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है मगर इसके बाद भी इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ है, तो ईएमएफ जनरेट ना होने की वजह क्या होगी? बोलो, क्योंकि ये क्वाइल घूम नहीं रही होगी या इससे चेंज इन फ्लक्स नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो ईएमएफ होता है बच्चों फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता है, ईएमएफ डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे, कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, ईएमएफ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कितना सारा फ्लक्स जा रहा है, ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस दिस इज कॉल्ड ई। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर इज गिवन हियर, कि कितना दिया हुआ आंसर यहाँ पे देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द क्वाइल। हाँ ये देखो, ये वर्टिकल पोजीशन थी क्वाइल की, क्वाइल यहाँ पे कैसी, ये खड़ी हुई है ना, तो क्वाइल की मैक्सिमम वर्टिकल पोजीशन पे है, बट एज द क्वाइल रोटेट्स, एज द क्वाइल रोटेट्स डे फाइव, यहाँ रोटेट नहीं होगा, नॉट रोटेट होगा, रोटेट होगा तो फ्लक्स चेंज होता मगर नॉट रोटेट, क्वाइल रोटेट नहीं हो रही है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू जीरो, हैंस ई एम एफ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ रोटेट नहीं है भाई, रोटेट होता तो कॉइल का फ्लक्स चेंज होता, तो यहाँ पे रोटेट की जगह नॉट रोटेट मैं कर देता हूँ, नॉट रोटेट, सो इट इज़ नॉट रोटेटिंग, ओके। चलिए तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेट एज ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर बराबर। तो यार देखो क्या होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ भगता है? नॉर्थ टू साउथ, ये भगता अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। और ये जेट प्लेन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से काट के जा रहा है, ये आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली काट करके जा रहा है जेट प्लेन। क्या स्पीड है जेट प्लेन की? वेलोसिटी दे रखी है 1800 किलोमीटर पर आवर। ओहो, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए भैया वेलोसिटी के, 1800 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे? याद करो,
क्लास एलेवेंथ में 5/18 का मल्टीप्लाई करते थे तो 18 से 100 बार कैंसिल आ गया, आंसर 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है जेट प्लेन की। हाँ, व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप एट द एंड ऑफ द विंग, कह रहा है बताओ जेट प्लेन के पंखों पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, क्योंकि इसके पंखे जो है ना इसको काट रहे हैं ना फील्ड को, तो आपको बताना है कि जेट प्लेन के पंखों पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा अगर जेट प्लेन के जो पंखों का स्पैन है वो कितना है। जेट प्लेन के पंखों का स्पैन है 25 मीटर, मतलब ये जेट जा रहा है, देखो ये जेट है और ये इसके पंख हैं, ठीक है ना, ये इसके पंख हैं, विंग्स है, थोड़ा इसका चेहरा ज़्यादा बड़ा बन गया जेट का, ओके, तो ये इसके विंग्स है पीछे की तरफ, ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है, तो ये इसके विंग्स हैं, तो आपको इनके विंग्स की जो लेंथ दी गई है ना वो आपको दी गई है, लेंथ इक्वल टू कितनी दी गई है 25 मीटर। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है इस जगह पर, वाह भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई, मतलब बी कितना दे दिया गया है वो है 5×10⁻⁴ टेस्ला, तो बी की वैल्यू लिखो, बी इज इक्वल टू 5×10⁻⁴ टेस्ला, ये बी की वैल्यू है, ओके। और एंगल ऑफ डिप डेल्टा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, मैग्नेटिज्म रिवाइज हो रहा है इस चैप्टर इस क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन बना लीजिए, सारी चीज़ें लिख लीजिए, फिर मैं इसको सोल्यूशन कराता हूँ, ओके, लेट्स एक्सप्लेन। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को बच्चों। ये जो आपका एरोप्लेन है इसका लेंथ स्पैन आपको दिया गया है 25 मीटर, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है उस पॉइंट पर वो कितनी दी गई है, 5.0×10⁻⁴। अब क्योंकि ये जो प्लेन है ये किधर जा रहा है, देखो ये प्लेन का जो विंग्स हैं, ये जो प्लेन के विंग्स हैं वो भले ही काट रहा है ईस्ट वेस्ट में, कहाँ जा रहा है मैं भूल गया भाई, नॉर्थ टू साउथ खुद भाग रहा है, जेट प्लेन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, चलो ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये वेस्ट में जा रहा है, मूविंग टूवर्ड वेस्ट, मतलब ये ईस्ट रही होगी, ये वेस्ट रहा होगा, और ये रहा होगा कहीं पर कहीं नॉर्थ रहा होगा, तो ईस्ट से इस तरफ होता है नॉर्थ और ये होगा साउथ। तो देखो बच्चों, अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड तो इसी के अलोंग हो गया, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड को तो काटेगा नहीं, कौन से फील्ड को ये काटेगा, ये काटेगा वर्टिकल फील्ड को, क्योंकि वर्टिकल फील्ड जो है आगे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा आगे की तरफ, हर जगह जा रहा होगा, हर जगह आगे भी पीछे भी हर जगह, और ये प्लेन आके खड़खड़ 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 खड़ काटते हुए, जैसे मान लो आसमान में बहुत सारे भाले आपने गाड़ रखे हैं, बहुत सारे लंबे लंबे भाले गाड़ रखे हैं, और पीछे से ये प्लेन आ रहा है ऐसे, और ये इसके दो वो निकले हुए हैं विंग्स, तो जैसे घुसेंगे तो खड़खड़ 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 खड़ काटते हुए प्लेन निकलेगा। बोलो आर्यन, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, नहीं आया सर। क्यों नहीं आया यार, ये बताओ, आसमान में तुम कंपेरिजन मान लो कि बहुत सारे फील्ड लगे हुए हैं और एक प्लेन आ रहा है, तो जब बहुत सारे भाले लगे हुए हैं तो ये प्लेन के ये जो विंग्स निकलेंगे ये इन भालों को नहीं तोड़ देंगे, टकराएंगे नहीं इनसे, यस सर टकराएंगे, बस यार खत्म बात। और ये भाले क्या है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट मैंने पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर में, याद कीजिए क्या पढ़ाया था वर्टिकल कंपोनेंट, बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा, याद आया एंगल ऑफ डिप, और बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, यस सर, हाँ बस, तो खत्म किया, बी साइन डेल्टा बना लो, बी गिवन है डेल्टा गिवन है, तो क्या बनेगा, बी वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू बी साइन डेल्टा, बी की वैल्यू 5×10⁻⁴ एंड साइन डेल्टा यानी साइन, एंगल ऑफ डिप कितना दिया 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता 1/2, तो बच्चों कितना हो गया ये 5×10⁻⁴ इंटू साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 से 5 कट गया कितने बार, 2.5 बार, नोट करो बंधुओं 2.5×10⁻⁴ टेस्ला, ये है मैग्नेटिक फील्ड 2.5×10⁻⁴ टेस्ला, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।
ठीक है। सो 2.5 इंटू 10 की पर माइनस 40 इशला। क्लियर है बच्चों? हंसिका यस तो बोलो यार, क्लास में हो ना? यस सर। एक बार बोल दिया करो कुछ भी। चलो अब ये हो गया, इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन हो रहा है यहाँ पे प्लेन का, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगेगा। मोशनल ईएमएफ मैंने क्या पढ़ाया है बच्चों? बी एल वी, याद करिए, इसी चैप्टर में पढ़ाया है। इज इक्वल टू बी एल वी। अब यहाँ पे वर्टिकल फील्ड कट रहा है तो बी वी एल वी। बी की वैल्यू रखो बच्चों 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। लेंथ कितनी है? 25 मीटर। वेलोसिटी कितनी है? 500। सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा, वोल्टेज आएगा, वो है 3.125 वोल्ट। तो जो वोल्टेज डेवलप होगा एरोप्लेन के विंग्स पर वो कितना होगा? 3.125 वोल्ट। 3.125 वोल्ट। यशराज क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, केवल फॉर्मूले याद करो, पेपर ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ी बात है, पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कुछ कंसेप्ट नहीं आता, केवल फॉर्मूला भी याद है तो बड़े अच्छे नंबर ला सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। डेरिवेशन तो आए नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो केवल फॉर्मूले ही आपको बन रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। चलो नोट करो, इतना डन बोलो सभी लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग इन ए स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एक आपका जो वायर है गिर रहा है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग जो है, तो जैसे मान लो कि आप छत पे खड़े हो और छत पे आपने एक वायर ले लिया है ईस्ट की डायरेक्शन में, एक कोना जहाँ सन निकलता है और शाम के समय आप गए हैं, और एक कोना मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हैं और एक कोना वेस्ट में है और एक कोना ईस्ट में है, ये पकड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि पीछे से नॉर्थ और साउथ होगा, ऐसे ये नॉर्थ और साउथ आ रहा होगा। आपने अब ये नॉर्थ और साउथ कहाँ तक होगा भाई? ये तो ज़मीन तक होगा, क्योंकि ऊपर आप खड़े हो, ज़मीन तो यहाँ पे है, मान लो ज़मीन, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड यहाँ पे है, तो ईस्ट वेस्ट ये भी है। थोड़े देर बाद जैसे आप इसको छोड़ोगे वायर को, तो ये वायर जो है नीचे गिरना शुरू हो रही, कट 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 कट, और यहाँ पर क्या आ रहा है पीछे की तरफ? नॉर्थ और साउथ आ रहा है, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ आ रहा है, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ आ रहा है, तो ये इमेजनरी तरीके से ये वायर जो है नीचे कट 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 गिरते हुए नीचे आएगी। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? वो गिरने वाला पार्ट बता देगा फिर। बेटा वायर ले लो छत में, छत में वायर लेके आप खड़े हो जाओ और उस वायर को आप छोड़ दो यार, इसको आप जो है छत में जो है वायर को लेकर के आप खड़े हो जाइए और उस वायर को आप छोड़िए, तो ये वायर जो है, ये वायर है बच्चों, ये मैं इसको ब्लैक कलर का कर देता हूँ तब आपको, तो जो है आप वायर जो है, जो वायर जो है आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया, ये देखिए मैंने ब्लैक कलर का वायर बना दिया। अब ये वायर जैसे ही आपने यहाँ से गिराया तो ये देखो ये ईस्ट वेस्ट है ना, अब मैं अपनी कॉपी में यहाँ पर नॉर्थ साउथ कैसे बनाऊँगा? ऐसे ही तो बनाऊँगा कि यहाँ पीछे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे समवेयर साउथ होगा, या आगे नॉर्थ होगा तो पीछे साउथ होगा, ये मान लो इधर साउथ है। अब जैसे तुम वायर को छोड़ोगे तो ये वायर ज़मीन में नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा हंसिका, बोलो? यस सर। तो ये यहाँ से जो नॉर्थ आ रहा है ज़मीन में हर वक्त, इसको ये क्रॉस करते हुए गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस सर। आर्यन समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो ये भैया गिर रहा है, अब देखो क्या क्या गिवन है। 10 मीटर लॉन्ग वायर है, तो मतलब जो वायर का लेंथ है भाई, लिख लो 10 मीटर, एल इक्वल्स टू 10 मीटर, एल इक्वल्स टू 10 मीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ, तो स्पीड वेलोसिटी लिख लो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। एट राइट एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब जो अर्थ के कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वही जो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है,
तो अर्थ का कंपोनेंट दिया गया है कितना, बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इन द वायर, वायर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, वायर का कौन सा सिरा जो होगा, कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, वायर का कौन सा टर्मिनल जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब इसकी सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए लेंथ ऑफ द वायर दी गई है 10 मीटर, अच्छी बात है भाई। फॉलिंग स्पीड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इस बार दे दिया गया 0.3, क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पहला पार्ट। अभी मैंने बताया मोशनल ईएमएफ कितना होता है बच्चों, बी एल वी, नोट करो। तो बी 0.3 एल इंटू इतना, एल है 5 और वी है 10, तो सॉल्व करके इतना आ गया, दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ डन। यस सर। ओके, अब बात करते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा। चलो देखो, तो राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा आपको। देखो वैसे डायरेक्शन कैसी होती है, ये होता है ईस्ट, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ होता है, फिर यहाँ वेस्ट होता है और यहाँ साउथ होता है, ठीक ना। तो अभी हमारे पास जो है ये कुछ सीन ऐसा ही है, इसको मैं बना देता हूँ डायग्राम को प्रॉपरली, आप समझिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ये अपने पास डायरेक्शन, छत पे जो खड़े हुए हो, यहाँ पर मान लो सन है निकलता है तो ये ईस्ट है, और यहाँ पे सन डूबता है तो वेस्ट है। मान लो सुबह सुबह आपने जा कर के ये तार फेंका है, हाँ ये देखिए, अब मान लो मैं ऐसे कर दूंगा ना इस तरीके से, तो तुम सोचोगे आसमान में ऊपर की तरफ नॉर्थ है और इधर की तरफ साउथ है। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब तुम खड़े होगे तो तुम्हारी नाक जिस तरफ होगी सामने की तरफ, वहाँ होगा नॉर्थ, और यहाँ पीछे की तरफ क्या होगा, साउथ। तो थोड़ा ऐसे बना लो नॉर्थ और साउथ, ये ऐसे 3D में, सामने की तरफ पीछे की तरफ, तो नॉर्थ कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ होगा नॉर्थ और इधर की तरफ होगा साउथ। यशराज समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ है साउथ है। अब एक काम करो, चलो अपना अपना राइट हैंड निकालो। अब जैसे मैंने बनाया वैसे करो, देखो राइट हैंड निकाल लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको देखना है इंड्यूस करंट कहाँ से कहाँ होगी। ये नॉर्थ है, अब देखो ध्यान से, राइट हैंड में तीन चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मतलब उधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मतलब जैसा मेरा डायग्राम बना है तो मेरे सामने आ रहा है, मेरे नाक की तरफ आ रही है उंगली, दिस इज़ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मेरे सामने आ रही मेरी उंगली। आप लोग की आ गई सामने नाक की तरफ कि नहीं आई, साउथ बाहर निकल रहा है, आ गई अपने नाक के ऊपर, अपनी फर्स्ट फिंगर का टिप रख दो, फर्स्ट फिंगर का टिप रख दो, आपको फीलिंग आ जाएगी, डन। अब उसको हाथ को उल्टा करो, राइट हैंड को उल्टा करो, राइट हैंड को उल्टा करो, अंगूठा नीचे करो, क्यों, क्योंकि तार नीचे गिर रहा, मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ फोर्स नीचे लग रहा है। अब देखिए जो आपकी फिंगर जा रही है इंड्यूस करंट, जो आपकी इंड्यूस्ड करंट जा रही है वो किस तरफ जा रही है, बोलो भाई, अंगूठा नीचे कर दो, अंगूठा नीचे गिर रहा है, तार नीचे गिर रहा है, आप बताइए भाई, तार नीचे गिर रहा है ना,
सामने तरफ क्या? तार नीचे गिर रहा आपका, अपोजिट जा रही। देखिए आपका जो हॉरिजॉन्टल वायर है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका लग रहा था इधर की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, आपके नाक की तरफ। देन आपने अंगूठा नीचे कर दिया, तो जो आपका मैग करेंट बन रही है वो बन रही होगी ईस्ट टू वेस्ट। बन रही कि नहीं बन रही इस डायरेक्शन में करेंट? बोलो। यस सर। करेंट क्या बन रही है? ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट बनी कि नहीं बनी यार? यस सर। हाँ आर्यन, तुम चुप रहना जरूरी समझते हो क्या? सर नहीं बनी। नहीं बनी तो बोलो नहीं बनी, फिर पूछोगे 10 मिनट बाद भाई क्यों नहीं बनी करंट। आप एक काम करिए, ये नीचे गिर रहा वायर कि नहीं गिर रहा नीचे, बोलो। यस सर। हाँ तो नीचे मतलब अंगूठा नीचे करो, दाएं हाथ का अंगूठा नीचे करो, दाएं हाथ का अंगूठा नीचे। यस सर। फील्ड आपके तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। यस सर। हाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मेन फिंगर दाएं हाथ की, तो दाएं हाथ की जो मेन फिंगर है उसको सामने करो अपनी नाक की तरफ। कर ली? हाँ। देखो कहाँ जा रही है इंड्यूस करंट, तीसरी वाली मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। हाँ जा रही है। बस बन गई ना यार, मन हार के बैठते हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो ये इधर जा रही है मतलब करंट कहाँ जाएगी? इधर से इधर। ओके मतलब घूम करके किधर से निकलेगी? फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। चलिए तो लिख लीजिए, यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इट कैन बी इंफर्ड दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लो लिखो वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, तो डायरेक्शन क्या हुई प्लस से माइनस की? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्लियर? यस सर। यस सर। करंट हमेशा चलती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब इधर का पोटेंशियल हायर होगा और इधर का पोटेंशियल लोअर होगा, तो हायर पोटेंशियल प्लस होता है और लोअर पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल होगा ईस्ट वाला, क्योंकि करंट कैसी जा रही है? इधर जा रही है। तो कह रहा बताओ कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो लिखो द ईस्टर्न एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल। जो ईस्ट वाला एंड है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल। डन? यस सर। तो जो ईस्टर्न एंड होगा वायर का वो हायर पोटेंशियल पे होगा। पूछो क्या डाउट है भाई अब इसमें, सब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब एक चीज बता देता हूँ भाई, देखो इक्वल टू बी एल वी का क्वेश्चन पक्का आएगा, दो दो बार क्वेश्चन करा चुका मैं ये वाला, तो इक्वल टू बी एल भी पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? इज इक्वल टू बी एल भी, मोशनल ई एम एफ का फॉर्मूला नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट।